स्पिनर की मोटर को खोलने के लिए सबसे पहले हम इस बैक कवर को खोलेंगे। फिर उसके बाद इसको खोलेंगे। इसको खोलने का तरीका ये है, हम उस दरवाज़े को ऊपर उठाएंगे तो ये लूज़ हो जाएगा। इस तरह इसको खोल लेंगे और फिर इसको भी यू वायर निकाल लेंगे। अब हमने इसकी इस तार को खोलना है। तार को खोलने के लिए हम इसकी इस ऊपर के कवर को खोलेंगे। कवर को खोलने के बाद हम यहाँ से मोटर की तार को खोलेंगे। अगर आपको इसके कनेक्शन नहीं आते तो उसके लिए हमने ये वीडियो बनाई हुई है, आप इस वीडियो को देखकर इसके कनेक्शन भी कर सकते हैं। मोटर की तार को यहाँ से ट्यून नीचे की तरफ निकाल देना है। अब हम मोटर को खोलने के लिए यहाँ से इसके पेच लगे हुए हैं ये खोलेंगे। उसके लिए इस मशीन को हम उल्टा करेंगे, लेकिन पहले हम इस कवर को थोड़ा से दो एक पेच लगा देते हैं ताकि ये अपनी जगह रुका रहे। अब स्पिनर को हमने उल्टा कर लिया और अब हम इसके ये पेच खोलेंगे। उसके बाद हम इस पाइप को भी खोलेंगे। और इस पाइप को बाहर की तरफ खींचेंगे। और इसको यहाँ से निकाल देंगे इस तरह। और इस पाइप को अंदर की तरफ कर देंगे। अब हमने यहाँ से इस मोटर को खोलना है। एक तो तरीका यह है, हम यहाँ से इसको खोल सकते हैं। अगर यहाँ से ना खुले तो इसके लिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, उस तरह आप करके खोल लें। और एक और ये बात भी होगी कि यहाँ से हम आपको दिखा नहीं सकते कि इसको किस तरह खोला जाता है। दूसरी तरह हम इस मशीन को लेटा कर खोलेंगे तो उसमें हम आपको बड़ी आसानी के साथ दिखा सकते हैं। मोटर को हम यहाँ से खोलेंगे, लेकिन उसके लिए हम इसको थोड़ा सा यूँ बाहर की तरफ खोलेंगे इस तरह। अब हम यहाँ से आसानी के साथ मोटर को खोल सकते हैं और आपको दिखा भी सकते हैं। अब इस मोटर को हम बड़ी आसानी के साथ यहाँ से इस चार नंबर एल की से खोल सकते हैं। यहाँ से ये बड़ा इजी होगा यहाँ से खोलना। अब एक तरफ से हम इस मोटर को पकड़ेंगे, इसको खोलने के बाद एक तरफ हम इस मोटर को पकड़ेंगे और दूसरी तरफ किसी साथी की मदद से इस ड्रम को घुमाएंगे और घुमाकर ऊपर की तरफ खोलेंगे इस तरह। ये हमारी मोटर इस तरह अलग हो जाएगी और उसके बाद हम इस ड्रम को बड़ी आसानी के साथ जो बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। अब इस हिस्से को हम साइड पे करेंगे। ये हमारा दूसरा हिस्सा है। अगर हमने ड्रम को निकालना है तो हम इसको इन पेचों को खोलेंगे तो ये ऊपर वाला कवर खुल जाएगा और यहाँ से हम इस ड्रम को भी आसानी से निकाल सकते हैं। और अब इस मोटर को खोलने के लिए हम इन पेचों को खोलेंगे और फिर इस मोटर को भी बाहर निकाल देंगे।
अब जिन दोस्तों ने इसके बेयरिंग तब्दील करना है तो उसके लिए आप इससे अगली वाली ये वाली वीडियो देखें। इस वीडियो को देख के आप इस मोटर के बेयरिंग भी तब्दील कर सकते हैं। और जिन दोस्तों को इस ड्रायर के कनेक्शन करने हैं तो उसके लिए आप ये वाली वीडियो देखें। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल इमरान इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।